हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था मैं बता देता हूँ। वैसे मैं पढ़ाता तो पूरा हूँ, मगर बच्चों सब कुछ एग्जाम में नहीं आता है। कुछ चीज़ें रेफरेंस के लिए होती हैं, है ना, कुछ चीज़ें समझदारी बढ़ाने के लिए होती है। कल आपने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कल की क्लास में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैंने कल क्या क्या पढ़ाया आपको। तो कल मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में दो केस मैंने बताया बेटा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? एक है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और दूसरा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या बनती है बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनती है डी थीटा बाई डी टी। होम दिख रहा, क्लियर है ना? देन बच्चों मैंने ये इंपॉर्टेंट रिलेशन कराया, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू, ये आपके एग्जाम में भी आता है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसकी हमने कर लिया। देन इसके बाद मैंने अगला बताया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सो सिंपल, जैसे बेटा एवरेज वेलोसिटी होती थी ना, वैसे ही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर ना? देन इसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो भैया इसका लिमिट ले लो तो बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेल वेक्टर होता है, किससे निकाला जाता है? राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकाला जाता है? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना? हाँ जी, चलो आ जाओ। देन इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एंगुलर एक्सेलेरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियसली, इसकी बात करते हैं तो डी ओमेगा बाई डी टी। सो अल्फा वेक्टर इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, सो जो अल्फा की डायरेक्शन होती है वो किस में होती है? चेंज इन ओमेगा की डायरेक्शन में, चेंज इन ओमेगा। तो मैंने बताया था अगर ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा जो जाएगा वो बढ़ते हुए ओमेगा की तरफ जाएगा, और अगर ओमेगा घटेगा तो जो अल्फा होगा वो ओमेगा के निगेटिव होगा। कहाँ जाएगा? निगेटिव, ठीक है ना? तो मैंने क्या लिखा था कि ये देखिए, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जिसलिए अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में होगी। और अगर पार्टिकल की स्पीड घट रही है, मतलब इन द सेंस ओमेगा अगर कम हो रहा है, ओमेगा अगर कम हो रहा है तो स्पीड घटेगी। तो पार्टिकल की स्पीड अगर अगर आपका स्पीड घटेगी तो ओमेगा घटेगा, और अल्फा की जो डायरेक्शन होगी वो ओमेगा की डायरेक्शन के क्या होगी बच्चों? अपोजिट होगी। बोलो, इतना तो क्लियर हो गया था? ये सारी चीजें मैंने बच्चों क्लियर करा दी थी, अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर यार एक बहुत जबरदस्त रिलेशन आया था कल की क्लास में, ये वाला यार, और इसको मैं जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें भैया क्या लगा हुआ था, याद है आपको? ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन, दो वेक्टर, दो क्वांटिटी का क्रॉस, यस और नो? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो भैया मेरे नेट एक्सेलरेशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, नेट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपेटल। याद आया? नेट एक्सेलरेशन में दो एक्सेलरेशन यहां पर हुआ करते हैं, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपेटल। हियर ए टी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ए सी इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये दो, ये थोड़ा सा डेरिवेशन आ सकता कई बार। ओके, एटी और एसी दोनों अपन ने देख लिए। अब मजे की बात क्या बेटा, थोड़ा डायग्राम को इसको रीड कर लो, थोड़ा डायग्राम को समझ लो। देखो इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ करता है। हालांकि थोड़ी सी मैंने कल बेहतरीन बातें इसके लिए बताई थी, बट मेरा मन नहीं मान रहा तो मैं फिर से आज बता देता हूं आप लोग को। बेटा ये किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा की। किसकी डायरेक्शन बेटा? ओमेगा की। समझ गए ना? अब देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। बोलो यस। सेंट्रीपिटल कहां लगता है? सेंटर की तरफ। और ये सेंट्रीपेटल है और ये इससे 90 डिग्री में, कितने डिग्री में बेटा? 90 डिग्री में ये लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। किसके लिए? कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है। याद रखना कि वेलोसिटी वेक्टर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होते हैं? पैरेलल। क्या होते हैं? हमेशा पैरेलल। ये देखो वेलोसिटी है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर कभी आपको भूल जाए कि क्या होता है, तो याद करो जब आप किसी बच्चे को लेकर के पार्क में घुमाने जाते हो तो उसको टोकरी वाला झूला हुआ करता है, होता है? नहीं होता है। उस टोकरी वाले झूले में उसको बिठा लेते हो। ये देखो, ये टोकरी वाला झूला है, यहां से ये टोकरी कसी हुई है। बोलो ये सुनो, हाँ है ना? ये टोकरी क्या हुआ करती, यहां पे भी टोकरी कसी हुई है, इस तरीके से कसी रहती है टोकरी, और इनके अंदर बच्चे बैठ जाते हैं, है ना? कभी डक बना रहता है, कभी कुछ बना रहता है, बच्चे इनके ऊपर बैठ जाते हैं। तो याद करो जब आप इनको स्पीड बढ़ानी होती है तो आप यहां पर जैसे वो टोकरी आती है यहां पर अपने हाथ का झपट्टा मारते हो कि नहीं मारते हो? और कैसे मारते हो? वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या लगाया? फोर्स लगाया। क्या लगाया? कैसा फोर्स था? टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स था? जैसी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स था टेंजेंशियल फोर्स। नाउ फोर्स इक्वल टू कितना होता? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन की ही डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की
डायरेक्शन, बोले ऐसा नो। और एक एक्सेलेरेशन वो होता है जिससे ये टोकरी ये इससे बंधी रहती है, समझ गए ना, और ये इसको घुमाता रहता है, सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है। अगर ये नहीं हुआ एक्सेलेरेशन तो कभी भी सर्कुलर पाथ हो नहीं पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। अब मैं दोनों एक्सेलेरेशन को अगर साइड में बनाऊं तो बेटा ये काम कर रहा है सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन और ये काम कर रहा है बेटा क्या है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, बोलो यस नो। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से जो मैग्नीट्यूड निकलेगा इसका वो निकलेगा सेंट्रिपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, और ये कहलाएगा नेट एक्सेलेरेशन। क्या कहलाएगा बच्चे? नेट एक्सेलेरेशन। बोलो समझ में अच्छे से ना, तो ये कहलाएगा भाई साहब नेट एक्सेलेरेशन। तो एटी एंड एसी दो कंपोनेंट होते हैं किसके? लीनियर एक्सेलेरेशन के, ऑफ नेट लीनियर एक्सेलेरेशन, ये दो कंपोनेंट होते हैं ना, मतलब जो टोटल एक्सेलेरेशन उसके दो कंपोनेंट, एक है एसी और एक है एटी। बोलो क्लियर हुआ? ये देखो, ये देखो दोनों का रिजल्टेंट निकल रहा है, जो मतलब डायग्राम मैंने वहां अलग अलग बनाया था ना, ये देखो भूल गया क्या? ये देखो मैंने यहां डायग्राम बनाया था, ये क्या था दोनों का रिजल्टेंट, क्या था ये रिजल्टेंट, वो वहां पर ऐसे करके दिखा दिया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर दोनों का रिजल्टेंट निकल रहा है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ऐसे क्या जाएगा रिजल्टेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? पढ़ाया ना अपन ने वेक्टर फॉर्म में, तो ये इसका रिजल्टेंट जा रहा। तो एक ही दो कंपोनेंट है, एक है एसी और एक है एटी। बोलो कुछ पूछना है इसमें बच्चों? हाँ भाई ओम, कोई डाउट है बेटा पूछ लो प्लीज, पक्का खत्म सारे डाउट? चलो वेरी गुड। तो एटी को क्या बोलते हैं बेटा? ओम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। बेटा एटी कहां लगता है? वेलोसिटी के डायरेक्शन में। कहां लगता है? वेलोसिटी। जैसे तुम घूम रहे हो इस कुर्सी में बैठ के, मैं ऐसे कर दूंगा तो ये क्या है? एटी है। क्या है ये? एटी, क्योंकि तुम ऐसे ही जा रहे हो, हाँ है ना, फिर तुम घूमते 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 यहां हो गए, फिर मैं यहां धक्का दे दूंगा ऐसे, तो ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी गई है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू दी गई है। आ जाओ भाई, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या बना था बेटा? देखो पहला पॉइंट अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस बनाया कि नहीं बना? हाँ, तो भैया टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बना है et इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। अब बच्चों मैंने आपको a क्रॉस b क्या पढ़ाया है? मैंने आपको a क्रॉस b पढ़ाया है मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप। बोलो यस और नो? तो भैया यहाँ पे अल्फा क्रॉस r क्या बन जाएगा? मॉड अल्फा मॉड r साइन अल्फा और r के बीच का एंगल जरा देख लो कितना है भाई साहब, 90 है। देखो अल्फा कहाँ लग रहा है बेटा? अल्फा लग रहा है कहाँ कहाँ लग रहा है अल्फा? अल्फा लग रहा है ये वाला पार्ट है, ये नेट एक्सेलेरेशन है, सॉरी टेंजेंशियल, हाँ अल्फा। ओके 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 ओके, ये देखिए बेटा अल्फा की डायरेक्शन तो ओमेगा की डायरेक्शन होती है बाबू, तो ये हो गया अल्फा। क्या है ये? अल्फा। यस और नो? एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? अपवर्ड। बोलो यस और नो? और आर कहाँ है? ये है आर, दिख रही है रेडियस, ये क्या है? रेडियस। बोलो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90। कितने डिग्री है? 90। तो अल्फा क्रॉस आर बेटा देखो यहाँ पे मॉड अल्फा मॉड आर साइन 90। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो कितना निकलेगा? साइन 90 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो जाएगा? एट इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। आ गया समझ में ना? एट इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए टेंजेंशियल इक्वल टू अल्फा इंटू आर, इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी, इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। किसकी? टेंजेंशियल की। किसकी? टेंजेंशियल की। अभी अभी आपने देखा, ये देखो ये है वेलोसिटी और यही है टेंजेंशियल। देख लो डायग्राम को थोड़ा सा फिर से क्लीन कर देता हूं, ये देखो यहीं जा रहा है एटी और यहीं जा रहा है वेलोसिटी। यस और नो? तो एटी की वेलोसिटी किसकी? एटी की डायरेक्शन किसकी तरफ है? वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ है। एज अल्फा ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर पैरेलल एंड अलोंग द एक्सिस, सो वी एंड एटी आर ऑल्सो पैरेलल एंड अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज एट इक्वल टू अल्फा आर साइन 90। मैंने सारा पढ़ा दिया बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। क्या बोला गया मेनली? अल्फा ओमेगा और अल्फा दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्यों ना हो, दोनों एक्सियल वैक्टर हैं, यहीं पर अल्फा जाता है और यहीं पर ओमेगा जाता है, पता है ना आप लोगों को, डिटेल में पढ़ा होगा। एक्सियल वैक्टर होता है अल्फा भी ऊपर जा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, है ना, दोनों ऊपर जाते हैं बेटा, ये हो गया। चलो अब भाई बात करते हैं कि एटी क्या करता है। एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। जब भी आप एटी भूल जाओ तो आप याद कर लो वही टोकरी वाला सीन, बच्चे को धक्का देने वाला सीन, है ना, एटी ये वाला होता है। एज एटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन दैट एटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब बच्चे स्पीड से जा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड की, तुमने धक्का मारा तो बच्चों की स्पीड क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकंड, है ना, फिर बच्चे चिल्लाएंगे भैया झूला धीमे झुलाओ गिर जाएंगे, हाँ है ना, तो वो
तेज कर दोगे, और जोर से झुलाओगे, फिर चार कर दोगे, फिर पांच कर दोगे। तो ये जो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है, जैसे मान लो ये मेरी गोराउंड है और यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, तुमने क्या किया यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगा दिया, टिचुक मार दिया झटका, हाँ, फिर तुम्हारा यहाँ दूसरा शरारती दोस्त बैठा हुआ है, उसने भी मार दिया टिचुक, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल मतलब पाथ की सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे एक टोकरी है, एक ने और मार दिया, है ना, झूला एकदम सुपर फास्ट है ना, रोबोट टाइप में घूमने लग गया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट्स मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जी हाँ, व्हाट इज एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेटा ये जो आया है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये जो आया है इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब ये जो है बेटा दिस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये डिस्प्लेसमेंट समझोगे बेटा सर, इसको वी ले लो, क्या ले लो, वी ले लो, बोलो आया समझ में, इसको क्या ले लिया, वी ले लिया। बट अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी इसको धक्का नहीं मार रहा है, कोई भी इसको धक्का नहीं मार रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से उसी रेट से चल रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो बताओ मुझे कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई धक्का नहीं मार रहा है, ये धक्का कोई नहीं मार रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अरे भैया कोई धक्का नहीं मार रहा मतलब किसी ने एक्सेलेरेशन लगाया नहीं है, मतलब आंसर कितना, जीरो, बोलो यस और नो। और दूसरा लॉजिक देख लो, डीवी बाई डी टी है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, अगर वी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जीरो, बोलो यस और नो, क्लियर हो गया ना। तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट कब आएगा, जिस समय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, मतलब स्पीड या तो बढ़ती जाएगी या तो घटती जाएगी, तो समय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का कंसेप्ट आएगा। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जिसमें कि एक कांस्टेंट स्पीड से चीजें चल रही होती हैं, बिल्कुल फिक्स ओमेगा होता है कांस्टेंट स्पीड से, ना कुछ बढ़ रहा होता है ना कोई घट रहा होता है, तो इस केस में कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन काम नहीं करता, बोलो यस और नो। इस केस में कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन काम नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो होता है, दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, स्पीड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब स्पीड क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म में मोशन की बात की जाए तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों डी बाई डी टी अगर स्पीड का डिफरेंशिएशन करोगे तो बोलो आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना बेटा, बन जाएगा ना, हाँ ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, ये थोड़े से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मगर अब पढ़ लिया तो पढ़ लेते हैं। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलेरेशन एटी पॉजिटिव होगा और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, मतलब यदि पार्टिकल बढ़ा रहे हो, तुम धक्का मारते जा रहे हो, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी क्या होगी, वेलोसिटी के अलोंग। और यदि तुम रोक रहे हो, मतलब झूला तेज घूम रहा था और तुम क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, यस और नो, मतलब पार्टिकल की स्पीड घटती जा रही है, इफ पार्टिकल की स्पीड घटती जा रही है, देखो वी कम हो रहा है, वी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, नेगेटिव, कहाँ होगा, नेगेटिव, मतलब जो वेलोसिटी ऊपर जा रही है उसके नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन आएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत। और अगर वी कांस्टेंट है, अगर वी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलेरेशन कितना होगा, जीरो, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन जीरो होगा, क्लियर है। और उस समय एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो नेट एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू, जो आपने पढ़ा, ए सेंट्रिपेटल प्लस ए टेंजेंशियल, उस समय जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन के बराबर, बोलो आ गया समझ में ना, उस समय जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन के बराबर, बोलो ये सुनो। और सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन मैंने क्या पढ़ाया था, ओमेगा क्रॉस वी, कल पढ़ाया था याद है, ओमेगा क्रॉस वी, यदि भूल गए मेरे बच्चों तो देख लो जल्दी से फटाफट, ये देखो एक है टेंजेंशियल और एक है सेंट्रिपेटल, याद आया, तो ओमेगा क्रॉस वी। अब हम पढ़ने वाले बेटा सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, जो कि आपके एग्जाम में आता है, बहुत बहुत आता है। सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन का डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा और सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप लोग जानते हैं कि सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन कितना होता है, ओमेगा क्रॉस वी, यस और नो। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, याद है कि नहीं याद है, बोलो, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा ना, अरे भाई स्केलर फॉर्म में वी इक्वल टू आर ओमेगा और वेक्टर फॉर्म में वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। देखो यार मैं तभी कहता हूं जो चीजें टफ होती है ना उनको एक दिन पहले पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो ये बड़ा कष्ट देती हैं। जैसे ये टफ है, अब आप पूछोगे सर ये कब पढ़ाया आपने, तो देखो भाई साहब इसका भी जुगाड़ अपने पास है, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए है कि नहीं है, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में वी को क्या बोलते हैं, ओमेगा क्रॉस
आर, बोलो यस और नो, ठीक है? तो बिल्कुल पक्का कंफर्म नहीं, नहीं लिख सकते हो वी को ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हो। क्यों क्यों नहीं लिख सकते हो बेटा? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि वेक्टर फॉर्म में ए क्रॉस बी मतलब ए का बी की तरफ रोटेट होना, और बी क्रॉस ए का मतलब किसकी तरफ रोटेट होना, बी का ए की तरफ, यस और नो? तो अगर ओमेगा क्रॉस आर बोल रहे हो मतलब ओमेगा किसकी तरफ घूमेगा, आर की तरफ, ओमेगा किसकी तरफ घूमेगा, आर की तरफ, तब आपका क्या वेक्टर जनरेट होगा, वी वेक्टर। कैसे जनरेट होगा? वी वेक्टर, क्लियर है? चलो यदि आप पूछोगे कैसे तो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा ये है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा, क्योंकि चक्कर ऐसे ऐसे लग रहा है, बोलो हाँ। तो ओमेगा कहाँ जाता है? ऊपर। कहाँ जाता है? ऊपर। अब भाई जो लोग स्क्रीन में उनको समझ में नहीं आएगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। चलो देख लो, ये देख लो, ये चक्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बोलो ओमेगा ऊपर की तरफ, बोलो हाँ। और आर कहाँ बेटा? नीचे की तरफ, बोलो हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ओमेगा है, ये क्या हो गया? ओमेगा है ना। और आर कहाँ है? नीचे। आर कहाँ है? नीचे। ये देखिए ओमेगा को आपने आर की तरफ फोल्ड किया, जी ओमेगा ऊपर था, ये आपने आर की तरफ फोल्ड किया, मतलब आपने ये अपनी उंगलियों को, ये आपकी क्या थी उंगलियां, उनको पटक करके इस तरफ कर दिया, सटाक बोल कर दिया। तो देखिए डायरेक्शन कहां निकल रही है? वी की, पीछे की तरफ। कहां निकल रही है? पीछे की तरफ। तो ये देखो इस पॉइंट पर जो वी बनेगा वो ऐसे बनेगा, दिख गया कि नहीं दिख गया? मजा आया? सो ओमेगा को अगर आर की तरफ फोल्ड करोगे तो क्या मिलेगा? वी मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में ना? तो अगर आपको इस पॉइंट पर वी चाहिए है तो ओमेगा को किसकी तरफ फोल्ड करना पड़ेगा? आर की तरफ। बहुत ही कंसेप्चुअल लॉजिक बात है। तो बेटा यहां से आ गया ओमेगा क्रॉस आर। हाँ इसको लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है। किस कौन सा फॉर्म है ये? स्केलर। ये स्केलर फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके जैसे कि आप मान के चलो आप लिखते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ हाँ है ना। अब स्केलर फॉर्म में लिखते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख दो या डिस्टेंस इंटू फोर्स लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट वेक्टर तो कंप्लीट जानकारी आपको देता है। क्लियर हो गया ना? बन जाएगा ना? हाँ। तो बेटा मेनली आपका ये फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस आर। और आपके मन में जो भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, क्योंकि आपके डाउट फिजिक्स को ज्यादा अच्छे क्लियर कर पाएंगे। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भैया अपन ने वैल्यू रखने की ठान ली है और ये वैल्यू रख दी मैंने ओमेगा क्रॉस आर, बोलो यस और नो? अब देखो भाई साहब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होती, बड़ा मजा आने वाला है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी आप खुद ही बताओगे। हाँ देखो ओमेगा किस तरफ जा रहा है बेटा, वाई एक्सिस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? जे कैप। क्या होगी बोलो? होगी कि नहीं होगी? अच्छा ओमेगा फिर से है तो फिर से क्या हो गया बेटा? ये जे कैप। और आर कहाँ जा रहा है बेटा? एक्स एक्सिस में, रेडियस बाहर की ओर होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आई कैप। होती कि नहीं होती है? अब मैंने जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने कुछ ऐसा निशान बनवाया था भाई साहब, आई कैप जे कैप के कैप का कुछ मैंने इस तरीके से बताया था कि बेटा जब भी क्रॉस करना हो तो ये आई होता है, ये जे होता है, और ये क्या होता है? के होता है। तो जब भी जे को के की तरफ मूव करोगे तो क्या मिलेगा? आई। क्या मिलेगा? आई। तो फिलहाल अपन कहां जो मूव कर रहे हैं? जे को आई की तरफ, जे को आई की तरफ उल्टा। तो अगर जे को आई की तरफ मूव करोगे तो बोलो क्या मिलेगा? माइनस के। क्या मिलेगा? माइनस के। याद आया कुछ? तो जे को आई की तरफ मूव करोगे तो बोलो क्या मिलेगा? माइनस के। तो कितना बन गया? जे कैप क्रॉस माइनस के कैप, है ना? तो माइनस को बाहर लेकर के आ जाओ, और क्या बच गया? जे कैप क्रॉस के कैप। क्या बचा? जे कैप क्रॉस, और जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो भैया क्या मिलेगा? जे को के की तरफ मूव करोगे तो क्या मिलेगा? आई। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया? माइनस आई कैप। क्या आ गया? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप मतलब सेंटर की ओर, अंदर की ओर, क्योंकि प्लस आई बाहर होता है और माइनस आई कहां होता है? अंदर। इसलिए जो सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है? अंदर की ओर। आया ना समझ में? कोई दिक्कत? पक्का ना? इसलिए सेंट्रिपेटल की डायरेक्शन क्या होती है? अंदर की ओर हुआ करती है। ठीक है, बन जाएगा ना? अब ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन वैसे तो आपने पढ़ रखा है ओमेगा वी। क्या होता है? ओमेगा वी होता है कि नहीं होता है? ये हो गया ओमेगा वी। क्या हो गया? ओमेगा वी। अच्छा अब मैंने आपको पढ़ाया गया, याद करो क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पढ़ाया था वी इक्वल टू आर ओमेगा। क्या पढ़ाया था? वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन आर। होगी कि नहीं होगी बोलो? यहां ओमेगा रोक लो तो क्या हो गया? वी अपॉन आर। तो यहां पे बेटा पुट कर दो ओमेगा की जगह वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी कितना हो गया? वी स्क्वायर अपॉन कितना? आर। बोलो यस और नो? क्लियर। एक और तरीका बेटा, ए सी बराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया? ओमेगा इंटू वी। हाँ या ना? ओमेगा इंटू वी। अभी आपने किसको गैप किया था? ओमेगा को। अब इस बार वी को गैप करता हूं, तो वी इक्वल टू क्या है? आर ओमेगा। तो यहां पे ओमेगा इंटू कितना? आर ओमेगा। तो ये क्या बन गया बोलो? ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर हुआ? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक तो ओमेगा वी होगी, एक तो वी स्क्वायर अपॉन आर होगी, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
और यदि वेक्टर फॉर्म में बोला जाए, वेक्टर फॉर्म में, हालांकि आएगा नहीं इतना डिफिकल्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में आपको बोला जाए सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड बोलो कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर, फिर डायरेक्शन लगी तो वेक्टर देना पड़ेगा, तो दिशा देने वाले वेक्टर को क्या बोलते हैं, कैप वेक्टर, क्या बोलते हैं, कैप वेक्टर या यूनिट वेक्टर। तो भैया इसकी दिशा क्या है, माइनस एक्स एक्सिस, बोले तो माइनस आर कैप अंदर की तरफ, बोलो आ गया समझ में ना। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है इसका, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, हाँ फिर से बता देता हूं। देखो बेटा ये सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो हम लोग की आई है, डायरेक्शन सेंट्रिपेटल की डायरेक्शन कितनी आई थी, माइनस आई कैप आई थी कि नहीं आई थी, एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या होता है आई कैप, और माइनस आई कैप मतलब अंदर की तरफ, हाँ या ना, माइनस आई कैप मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर बाहर की तरफ क्या बेटा, रेडियस, बोलो यस नो। अगर आप इस वेक्टर को लिखोगे, देखो अगर आप इस वेक्टर को लिखोगे, रेडियस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को क्या लिखोगे, आर कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आर कैप का मीनिंग क्या होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा, और माइनस आर कैप का मतलब क्या होगा, अंदर की ओर। तो दो रास्ते हैं बेटा आपके पास, या तो आप यहां पर माइनस आई कैप लगा लो, या आप माइनस आर कैप लगा लो, बोलो अभी आया समझ में कि नहीं आया, समझ में आया ना, या तो माइनस आई कैप लगा लो या माइनस आर कैप लगा लो, बोलो हाँ है ना। मगर माइनस आई कैप लगाने में प्रॉब्लम क्या है, माइनस आई कैप लगाने में एक प्रॉब्लम है कि जब तुम इस पॉइंट पर देखोगे, देखो अभी तो तुमने इस पॉइंट पर देखा है तो तुमको एक्स एक्सिस दिखाई दिया, बोलो हाँ, जब तुम इस पॉइंट पर देखोगे तो इधर थोड़ी ना एक्स एक्सिस है, तो यहां तो रेडियस बाहर की तरफ है, तो बाहर की रेडियस का वेक्टर क्या बनेगा, आर कैप, तो अंदर की रेडियस का वेक्टर क्या बनेगा, माइनस का आर कैप, तो इसलिए अपन ने माइनस आर कैप लगा लिया। कोई डाउट है क्या, क्लियर पूरा हो गया कि नहीं हुआ, अच्छे से ना। तो इसलिए वी स्क्वायर अपॉन आर तो इसका मैग्नीट्यूड है यहां से। अब बोलोगे भैया इसकी डायरेक्शन कहां होती है सेंट्रिपेटल फोर्स की, तो बोलोगे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, बोलो हाँ, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होता है, रेडियस, तो अंदर जो है इसलिए क्या लगा दो, माइनस, क्या लगा दोगे, माइनस, तो माइनस आर कैफ, डन, क्लियर है, ठीक है ना। देखो बेटा ये कौन सा फॉर्म है, अब तुमने पूछा अच्छी बात, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर, कौन सा फॉर्म है, ये तुम्हें दिशा की जानकारी नहीं दे रहा है, ये तुम्हें किसकी जानकारी दे रहा है, दिशा की, समझ में आया ना, कोई दिक्कत। भैया आपने कहा 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, तो अगर केवल 5 न्यूटन की घूंसा मारने की बात है तो मैंने कहा एफ बराबर 5, एफ बराबर 5, बोलो ऐसा नो। अब तुमने कहा एक्स एक्सिस में 5 न्यूटन का घूंसा मारूंगा, तो 5 i कैप होगा यहां पर और वेक्टर लगेगा, क्योंकि x एक्सिस में आपने घुसा मारा ना, तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, i कैप, क्या बोलते हैं, i कैप। अब आया समझ में कि नहीं आया, इसलिए वेक्टर लग गया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अच्छी बात करते हैं, हम नोट पॉइंट देख लेते हैं। AC एक्सेलेरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। बेटा ये जो होता है वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और आपने देखा भी है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। आ जाओ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहीं जाती है, यहीं पर जाता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये है सेंट्रिपेटल एक्सेलेरेशन, बोलो हाँ है ना। इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं है, तो मतलब एक दोनों के दूसरे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए कह रहा है कि एक्सेलेरेशन जो होता है हमेशा वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर, यस नो। इसलिए वर्क डन बाय द सेंट्रिपेटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इक्वल टू जीरो। अब तुम बोलोगे सर वर्क डन क्यों जीरो हो गया, वर्क डन की बेटा डेफिनेशन होती है वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट, बोलो हाँ है ना। तो फोर्स कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां, इस तरफ है कि नहीं है। तो यदि इसको तुम ओपन करोगे बेटा मेरे बच्चे, मैंने खोलना सिखाया था, मॉड एफ मॉड एस कॉस कितना, थीटा, तो यदि इसको ओपन करोगे तो एफ एस और कॉस थीटा कितनी डिग्री है, 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो सब कुछ कितना हो गया, जीरो, मतलब कि सेंट्रिपेटल फोर्स के द्वारा किसी भी प्रकार का काम नहीं होता, वर्क डन क्या होता है, जीरो, मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स का वर्क डन कितना होता है, जीरो, समझ में आया। इस तरीके से अगर हम बात करें अपने प्लैनेटरी सिस्टम की, तो ये अपनी अर्थ है और इसके चारों तरफ चंदा मामा घूम रहे हैं, बोलो हाँ ना, हाँ या ना, ये चंदा मामा की वेलोसिटी है, क्या है, चंदा मामा की वेलोसिटी, और ये चंदा मामा का फोर्स है, हाँ है ना, इसके बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90, तो फिर से वही वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क इक्वल टू एफ इनटू डीएस इनटू कॉस थीटा, बोलो हाँ, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी, जीरो, मतलब चंदा मामा घूमने में कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया वर्क डन कितना है, जीरो है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसके द्वारा किया गया टोटल वर्क कितना है, जीरो है, क्लियर हो गया,
क्यों, कोई कहानी है, क्योंकि फोर्स अंदर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल में है। डन ना, कोई दिक्कत बेटा? यस। सर्कुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन सी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अल्फा और एटी का होना जरूरी नहीं है। समझ गया ना? मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होना जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम्हारे किसी दोस्त को टाई पकड़ के घुमाना है, बोलो हाँ या ना। किसी दोस्त को तुम टाई पकड़ करके घुमाना चाहते हो, ये देखो, किसी दोस्त को तुम टाई पकड़ करके घुमाना चाहते हो कि तुम टाई पकड़ के घूमो, बोलो ऐसा नो। तो इसकी टाई पकड़ के तुम अपने तरफ फोर्स लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तभी तो घूमेगा वो, बोले है ना, तभी तो घूमेगा, लगाना पड़ेगा ना। तो इसलिए अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होता है उसके लिए सेंट्रिपेटल फोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई ना बात बच्चों समझ में? मगर टेंजेंशियल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार याद तो है टेंजेंशियल फोर्स का यूज़ क्या होता है, स्पीड बढ़ाने में। क्या होता है वो? घूमने का काम थोड़ा ना करता है, वो किसका काम करता है? स्पीड बढ़ाने का। बोलो यस और नो, क्लियर ना? चलो भाई अच्छी बात है। अगला, ऑन एनी कर्व्ड पाथ नॉट नेसेसरली सर्कुलर वन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हैज टू कंपोनेंट एटी एंड एसी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, बताई दिया मैंने कि बेटा अंदर की ओर क्या लगता है? एसी। क्या लगता है अंदर की ओर? एसी। और टेंजेंट में क्या लगता है बेटा? एटी। दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वी इज एटी एंड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वी इज एसी। अभी देख लिया था आपने, ये जो कंपोनेंट गिरा था आपने देखा था सर्कुलर मोशन का, ये देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गया था वो क्या था बेटा? एटी था। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट गया था वो क्या था? एसी था। ठीक है ना? देखो बच्चों टॉपिक डिफिकल्ट है, इसलिए लिख लिख करके आपको करना पड़ेगा, बिना लिखे ये टॉपिक बनने वाला नहीं है, जब भी डिफिकल्ट टॉपिक होता। लियो ये तो मैंने बता ही दिया, नेट लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा बेटा? एटी परपेंडिकुलर टू एसी। सो दो वैक्टर बन जाएंगे, एक एटी का और एक एसी का। दोनों एक्चुअली परपेंडिकुलर थे, यस नो? दोनों क्या थे? परपेंडिकुलर। तो अभी दिखाया था ना यार, ये वेक्टर ए था, ये क्या था? एटी था, ये क्या था? एसी था। तो ये 90 डिग्री से पाइथागोरस थ्योरम लग गई थी, तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? बन जाएगा। चलो भाई साहब आ चुका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैंने इसके पहले ही बताया था कि ऐसा मोशन जिसमें बिल्कुल स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कॉन्स्टेंट। यस नो? स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, मतलब वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी। और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। कितना होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? जीरो, क्योंकि कोई धक्का मुक्की करने वाला नहीं है, आराम से गाड़ी, बेचारे बच्चे जो है बड़े प्यार से झूल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। तो क्या पढ़ा अपन लोगों ने? अपन ने पढ़ा नेट एक्सेलरेशन बराबर होता है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अभी आपने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो केवल एक ही टाइप का एक्सेलरेशन काम करेगा। क्या काम करेगा? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में केवल सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन काम करता है सेंटर की तरफ। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल दैट कांस्टेंट स्पीड विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड द मोशन ऑज सेट टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस मोशन पोजिशन वैक्टर कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। देखो बेटा यहां पर जो होता है पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, पार्टिकल का पोजिशन चेंज हो रहा है। ये देखो यहां पर पोजिशन वैक्टर कितना था? आर वन। कितना था? पार्टिकल यहां पर था, थोड़ी देर बाद यूनिफॉर्म मोशन करते हुए पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो पोजिशन वैक्टर कितना हो गया? आर टू। ये सुनो, वेलोसिटी देखो ये है, इधर पे वी वन है और इधर पे क्या है? V2 है। इन दिस मोशन पोजीशन वेक्टर कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली, स्पीड इज कॉन्स्टेंट। स्पीड क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अल्फा भी कितना होगा? जीरो। क्यों होगा अल्फा जीरो? क्योंकि मैंने पढ़ाया है अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। बोलो हाँ या ना? ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट है। ओमेगा क्या है? कॉन्स्टेंट है। और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। तो एक्सेलेशन जो काम करेगा, दिस इज इक्वल टू ए इंटू सी, ए सी। क्या काम करेगा? ओनली ए सी। नेट एक्सेलेशन इक्वल टू कितना होगा? ए सी। ये देखो भाई नेट एक्सेलेशन सेंट्रिपिटल ही तो बचेगा ना। अरे दो प्रकार के एक्सेलेशन थे कि ना थे? ये देखो एक्सेलेशन इक्वल टू ए टी प्लस ए सी, तो ये तो जीरो हो गया ना, तो केवल क्या बचेगा? ए सी, मतलब केवल एक ही टाइप का एक्सेलेशन काम करेगा जिसका नाम क्या है? ए सी। बोलो आ गया ना? ए सी इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा इंटू वी होता है ना, मतलब ए इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू वी, और इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और इसी को बोलते हैं सेंट्रिपेटल
एक्सेलेरेशन। तो ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन काम करता है, बॉडी के सेंटर की तरफ काम करने वाले एक्सेलेरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। और इसकी वैल्यू होती है ए इज इक्वल टू ओमेगा इनटू वी कह लो, या ओमेगा स्क्वायर आर कह लो, या वी स्क्वायर अपॉन आर कह लो, बोलो यस और नो। अब न्यूटन के नियम से आप जानते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू कितना एक्सेलेरेशन। तो यदि मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो एम इंटू ए सी, यस और नो, मास इंटू सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, बेटा ये बन जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या बन जाएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मास का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहां भी कर दो, तो क्या हो जाएगा एम ओमेगा वी, एम ओमेगा वी, ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दुनिया में सबसे फेमस फॉर्मूला सेंट्रिपिटल फोर्स का, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का नहीं, सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फोर्स सेंट्रिपिटल इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बन जाएगा ना, एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो देखो ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कीप्स इन चेंजिंग एंड इन द डायरेक्शन दैट इज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से ही पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, बट याद रखना स्पीड नहीं पकड़ती है। मतलब पार्टिकल जब किसी को टाई पकड़ के घुमा रहे हो तुम, तो सेंट्रिपिटल फोर्स के कारण उसकी डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। बोलो हाँ, फिर टाई पकड़ के घुमाते जाओगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। हाँ है ना, समझ में आया? तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा। हाँ, अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल मोशन में थोड़ा सा डिफरेंस दिया, ज्यादा यूजफुल नहीं है। प्रोजेक्टाइल में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन था वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगता था, लगता था नहीं लगता था, मगर सेंट्रिपिटल में जो ग्रेविटी एक्सेलेरेशन लगेगा, देखो यहां पर ऐसा है, हाँ है ना, पार्टिकल इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा, पार्टिकल इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा, मतलब कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदल रहा है, मगर प्रोजेक्टाइल मोशन में जी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती थी, बदलती नहीं थी। समझ में आ गया ना? तो देखिए वहां पे लिखा था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यस और नो, मगर हियर डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजेस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों हमारा सेंट्रिपिटल मोशन। इस तरीके से हम सेंट्रिपिटल मोशन पूरा का पूरा हमने पढ़ डाला, ठीक है। चलिए अब बेटा, अब हमारे पास आता है इसका एप्लीकेशन, सेंट्रिपिटल मोशन का एप्लीकेशन, कि सेंट्रिपिटल मोशन कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन आइए देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन मैं आज आपको करा देता हूं, जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल, पहला कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, हाथ में एक धागा ले लो, बोलो हाँ, उसके नीचे एक मोती बांध दो, मोती बांध दिया, और उसको धागे को लेकर क्या पैसे से डुलाते हो, बोलो हाँ है ना, तो वो क्या गोल गोल बनाता कि नहीं बनाता, बोलो ऐसा नो, फाइनली ऐसे बनाता ना गोल गोल, और इस तरीके से मूव करते रहता कि नहीं करता रहता, करता रहता ना, तो इसको बोलते हैं हम कोनिकल पेंडुलम। तो बेटा यहां से मान लो ये सेंटर से एंगल थीटा पे है, किस एंगल पे है, थीटा पे, चलो आ जाओ, ये देखो थीटा एंगल पे है, यस और नो, और ये है वो मोती, क्या है वो मोती, मोती को बीट्स बोलते हैं, मोती क्या बोलते हैं, बीट्स, तो ये बीट्स है बेटा। तो देखो इसमें कितने फोर्स लगेंगे, चलो इसको क्रॉप कर लेता हूं, फिर मजा आएगा पढ़ाने में। हाँ चलो ले चला, अब ये देखो ये बेटा मोती है, तो मोती पे कितने फोर्स लगेंगे, नीचे लगेगा mg, नीचे क्या लगेगा mg, पक्की बात, बोलो ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। अब ये देखो बेटा ये डोरी यहां से लटकी हुई है, हाँ यानी मोती इस पे लटका कि नहीं लटका हुआ है, तो इसमें टेंशन लगेगा, क्या लगेगा बेटा, टेंशन, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की ओर लगता है, बॉडी से दूर की ओर, याद रखना टेंशन हमेशा बॉडी से कहां लगता है, दूर की ओर, बोलो सुनो। अब ये देखो ये एंगल है, ये क्या खुल गया बैक साइड में, हाँ देखो ये जो एंगल है बेटा, अगर ये एंगल थीटा है, आपने पढ़ा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होता है थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलो हाँ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा। अब मैंने आपको रेजोल्यूशन पढ़ाया है कि थीटा की तरफ जो हमेशा कंपोनेंट चिपकता, चिपकने वाला कंपोनेंट, सी फॉर चिपको, सी फॉर कॉस, तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये कंपोनेंट टूट गया क्या, टी कॉस थीटा, याद आया, भूल गया ओम, ये आर है तो आर का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट टूटता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा, तो ये टी है तो टी का जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा बेटा, टी कॉस थीटा, और दूर की तरफ जो कंपोनेंट टूटेगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, बोलिए सुनो। तो T sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, समझ में आया?
क्लियर हो गया। तो इधर पे t साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, और ऊपर t कॉस थीटा कौन बैलेंस करेगा, एम जी को, बोलो यस और नो। तो दो इक्वेशन अपन लिखते हैं, पहला लिखते हैं t साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और t कॉस थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, एम जी, दोनों को डिवाइड कर दो, बोलो यस और नो। t से t कैंसिल, साइन अपॉन थीटा कितना हो गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, 10, कितना हो गया 10, m से m कैंसिल, कितना बच गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो 10 थीटा कितना निकल गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आ गया समझ में ना। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो यहां से आर जी को 10 थीटा के साथ ले जाओ, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी 10 थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, आर जी 10 थीटा, तो वी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट आर जी 10 थीटा, आ गया समझ में। तो ये बन गई इसकी लीनियर वेलोसिटी, क्या बन गई इसकी लीनियर वेलोसिटी, आर जी 10 थीटा, क्लियर हुआ। अब निकालते हैं टाइम पीरियड, क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड, आपको सबको पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। अब यहां से ये चलेगा मोती और पूरा चक्कर करके आएगा, तो यहां तक की चक्कर की दूरी क्या हो गई, 2πr, हाँ है ना, और स्पीड कितने से चल रहा है, वी से चल रहा है, तो 2πr अपॉन वी हुआ कि नहीं हुआ। तो ऊपर 2πr और नीचे वी की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू क्या है, आर जी 10 थीटा, बोलो हाँ हाँ, आर से आर एक क्या हो गया कैंसिल, तो ऊपर एक रूट आर बचा कि नहीं बचा, देखो अंदर रूट आर है, एक रूट आर से एक रूट आर कैंसिल हो गया यहां पे, तो रूट आर बचा कि नहीं बचा, तो आंसर क्या हो गया, 2π बाहर, अंडर रूट आर अपॉन जी 10 थीटा, क्लियर हुआ। बस यहीं तक आपको करना है, ठीक है ना। अब बच्चों जितना मैंने कराया है इसको पहले आप लोग कॉपी में करके दिखाइए मुझे, समझ गए ना, तब मजा आएगा। आप मुझे इसको पूरा पूरा कॉपी में करके दिखाइए, ठीक है ना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद दो तीन पॉइंट और आते हैं। वर्टिकल सर्किल बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, वर्टिकल सर्किल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आपके स्कूल में शायद दो पॉइंट कराए होंगे। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, साइकिल सवार कितना मुड़ता है, वो मुझे पढ़ाना है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट जो कि आ जाएगा कल, ठीक है ना। और ये देखिए सर्कुलर टर्निंग ऑफ अ रोड, कार जब मुड़ती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए जिससे कि कार फिसले ना, समझ गए ना। आप अपनी साइकिल जब चलाते हैं और किसी टर्न पर मोड़ते हैं, बोलो हाँ या ना, तो ऐसे मन चाहे एंगल पे मोड़ देते हैं कि आराम आराम से मोड़ते हैं, आराम आराम से, हाँ या ना। और कार को मोड़ने के लिए या मोटरसाइकिल मोड़ने के लिए एक निश्चित स्पीड होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। बहुत स्लो में मोड़ोगे तो गिर जाओगे, और बहुत तेज में मोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगी, यस नो। तो उसके लिए एक फिक्स वेलोसिटी होनी चाहिए, तो वो वेलोसिटी, दो टॉपिक बचे हैं, एक है ये वाला देखो कार वाला है ना, और एक ये वाला, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले बेटा आपको बेसिक कंप्लीट करने पड़ेंगे, और ये जो मैंने अभी कराया है, ये देखिए साइकिल वाला है कंसेप्ट, ठीक है ना, ये इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से कॉपी निकालिए, और जितना मैंने आज कराया है जल्दी से पहले उसको आप करके दिखाइए मुझे,